हेलो गाइस वेलकम बैक टू पीसी वाले वाली यूट्यूब चैनल एंड विंडोज 11 लीक हो चुकी है विंडोज 11 आ चुकी है लिंक डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन में होगा अगर तुम लोग को डाउनलोड करके ट्राई करनी है विंडोज 11 तो आप लोग ट्राई कर सकते हो एंड मैं पर्सनली ट्राई नहीं कर रहा बिकॉज 24 तारीख को ऑफिशियली आने वाली है तो और आज 17 तारीख तो वैसे ही हो गई तो 17 के बाद लगभग एक हफ्ते में आ जाएगी नहीं तो अनऑफिशियल रिलीज़ को ट्राई करने से अच्छा मैंने सोचा कि सीधा डायरेक्ट हम लोग जो है वो ऑफिशियल रिलीज़ को ट्राई करेंगे 24 तारीख को ऐसा कुछ बड़ा तो है नहीं मतलब गैप की एक दो महीने बाद आएगी तो मैं पर्सनली ट्राई नहीं कर रहा लेकिन पे कुछ चेंजेस हैं क्या चेंजेस है विंडोज के अंदर नए विंडोज का अपियरेंस जो भी उसके फंक्शन है जो भी उसके अंदर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं आप लोगों ने वैसे तो थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा लीक्स में और वीडियोज वगैरह में पर यहां पे थोड़ा बहुत हम भी डिस्कस कर लेते हैं बाकी जिसको ट्राई करना है अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा हुआ है अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा एक 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 पीसी है सेकेंडरी पीसी है या वी के अंदर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप जो है वो इस नई विंडोज को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक होगा डाउनलोड कर लो और विंडोज इंस्टॉल करने का तरीका सबको आता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक है आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो नाउ अगर तुम देखो विंडोज जो आपकी 11 है ये काफी ज्यादा मतलब इंस्पायर्ड है या फिर इसके कई सारे पार्ट्स लिए गए हैं विंडोज टेन एक्स से और विंडोज टेन एक्स था आपका काइंड ऑफ आई थिंक डुअल स्क्रीन जो डिवाइस है जो भी आपके टच पैड वगैरह हैं उनके लिए जो ऑप्टिमाइज था काफी ज्यादा और यहाँ तक अगर मैं विंडोज इलेवन को देखो तो ये भी काफी हद तक जो है उनको ध्यान में रख के बनाया गया अगर आप इसके लुक्स को देखो तो ये काफी हद तक सिमिलर है आपने अगर कभी मैक एस वगैरह थोड़ा बहुत यूज करा हो या फिर अगर आपने मैक एस देखा भी हो तो आपको थोड़ा बहुत काफी हद तक सिमिलैरिटी दिखेगी जैसे जैसे उसके अंदर जो है वो थोड़ा अपियर होता है ना उसी टाइप का तो मैं काइंड ऑफ अपियरेंस के अंदर दिखेगा देखो आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो सबसे पहले चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक अगर आप अपना इवन टास्क बार देखोगे तो आपका जो आ, सर्च फंक्शनैलिटी एंड जो भी फीचर्स आपके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होते थे, थे वो अब आपके सेंटर में है ठीक है और करने को आप इसको सेटिंग से जो है वो लेफ्ट या राइट कर सकते हो बट बाय डिफॉल्ट डिफ़ॉल्टी अब सेंटर में है जो जो कि मुझे दिखने में पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है बट मुझे नहीं पता कि मैं जब इसको यूज़ करूँगा एक्चुअली में तो मतलब मुझे कैसा लगेगा यूज़ करते हुए बिकॉज नॉर्मली हाथ जो है वो मेरा माउस का कर्सर डायरेक्टली लेफ्ट साइड में जाएगा ठीक है तो मैं इसको लेफ्ट साइड में प्रॉबली uh, शिफ्ट कर दूंगा मैनुअली खुद से अगर मैं यूज करूंगा तो क्योंकि आदत हो गई है ना एकदम लेफ्ट में जाने की सर्च करने के लिए बॉटम में और अगर तुम तो मेन मेन्यू भी देखो तो ये काइंड ऑफ काफ़ी चेंज हो चुका है अगर आपने की में विंडो का बटन दबाओगे तो आपका जो है वो टाइल बेस्ड सिस्टम खुल जाएगा मतलब पूरे टाइल्स टाइप के वो खुल जाएंगे जिसके अंदर आपके जो जो भी अपलीकेशनस हैं जो भी चीज़ें हैं वो सब दिखाई देंगे लेकिन यहाँ पे जो है वो आइकन बेस्ड हो चुका है जैसे आपके फोन में एप्स होते हैं ऑफ उस टाइप का एंड uh, ये जो है वो काइंड kind ऑफ of सही है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आप अपने ऐप्स को पिन कर सकते हो जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो या फिर सबसे जिनको सबसे ज्यादा यूज करते हो उस हिसाब से आप यहां पे जो है वो इनको पिन कर सकते हो ऐप्स को ताकि आप आपको जो है वो उनका एक्सेस uh, जल्दी हो जाए क्विक एक्सेस के लिए नीचे पे आपके फोल्डर्स और जो भी फाइल्स आपने खोली हैं जो भी रिसेंटली आपने खोली हैं उनको जो है वो यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो आप कोई फोटो कुछ खो, खोल के बैठे थे या कोई गाना सुन रहे थे कोई मूवी रिसेंटली देख रहे थे तो वो जो है वो यहाँ नीचे पे आएगा और बाकी सबसे नीचे पे जो है वो आपका जो भी आपका यूजर नेम होगा या फिर जो भी यूजर होगा जो उस पी को उस ओ को उस वक्त पे चला रहा है लॉग करके बैठा हुआ है आप जिस भी नाम से आप रखोगे वो यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है और आपका जो शट डाउन का या फिर री का स्लीप का जो भी आपका ऑप्शन होगा वो भी राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ऑल आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट इस बार राउंड कॉर्नर्स की तरफ गया अगर आप ये जो बॉक्सेस हैं इनके कॉर्नर्स देखो तो ये राउंडेड है काइंड ऑफ स्मूथ टाइप के तो ठीक है नया लुक है बहुत ही सटल चेंज है लेकिन चेंज है नोटिस कर सकते हो एंड ये रही आपकी नई विंडोज इलेवन की स्टार्टअप साउंड तो स्टार्टअप साउंड भी ठीक है कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं है और अगर तुम वॉलपेपर्स वगैरह डाउनलोड मानना चाहते हो तो उनके भी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप विंडोज uh, इलेवन के एटलीस्ट अगर आप विंडो नहीं डाउनलोड मानना चाहते पूरी तो वाल डाउनलोड मार सकते हो ऑल दो पे जो है वो नई विंडोज इलेवन का जो है वो डार्क मोड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एंड इस नई विंडोज इलेवन में जो है माइक्रोसॉफ्ट अपने विजिट्स जो है वो वापस ले अगर तुम्हें याद हो पुरानी विंडोज़ में आ, पहले की सेवन एक्सपी वगैरह के टाइम पे जो है वो तुम्हारे पास विजिट्स हुआ करते थे तुम जो है वो अपना कैलेंडर और क्लॉक और बहुत सारी चीज़ें जो है अपने डेस्कटॉप पे जो है वो लगा सकते थे मैं तो पूरा भर देता था अलग अलग टाइप के विजिट से ठीक है तुम्हारे सी पी ओ कितने फ्रिक्वेंसी पर चल रहा है उस टाइप के कई विजिट आते थे एक्सटर्नल तो वो, वो लगाना चाहो वो लगा सकते हो वेदर्स के होते थे टाइम का होता था कैलेंडर हो गया मतलब दस तरीके के विजिट्स आया करते थे और हम उनको जो है वो अपने डेस्कटॉप पर भर देते थे लेकिन एंड जब से विंडो टेन आई खैर बीच में एट भी आई बट एट ज्यादा लोगों ने यूज करी नहीं तो जब से विंडोज टेन आई उसके बाद से जो है वो विजिट जो है वो गायब हो गए लेकिन अब जो है वो विजिट वापस आ चुके हैं ऑल दो ये जो बिल्ड है ये अर्ली बिल्ड है और टाइप के माइक्रोसॉफ्ट विजिट

किस फॉर्म में चाहते हो लाइक like आप विंडो को जो है चाहते हो किसी एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाए आप मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑन करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से वो चीज कर सकते हो उसका उसका आपको डायरेक्टली मिल जाता है वरना आपको वो करना पड़ता था या फिर आपको जो है वो विंडो में कोई शॉर्ट्स जिनसे आप जो है वो विंडो को दो स्क्रीन में डिवाइड कर सकते थे लेकिन यहां पे आपको मल्टीपल चीजों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो लाइक फॉर एग्जाम्पल आप गाना सुन रहे हो साथ ही साथ आप एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो या फिर सामने एक और डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उससे देख के आप एक दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो तो वो दो चीजें साइमटेनियसली सामने खुली हो फिर एक तीसरा स्पॉटिफाई चल रहा है स्क्रीन पे तो वो सब चीज़ें जो है आप कर सकते हो मैनुअली और वो काफी माइक्रोसॉफ्ट uh, एफिशिएंट बना दिया इसको करना बाकी अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वगैरह का जो है वो लुक वगैरह देखना चाहो तो वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने काफी चेंज कर दिया है एंड अगर तुम सेटिंग्स या फिर बाकी स्क्रीन पर जाओगे तो वो तो काफी हद तक विंडोज तुम्हारा टेन जैसा ही है अगर तुम अंदर सेटिंग्स वेटिंग्स में जाओगे किसी भी सेटिंग्स के ऑप्शन में जाओगे तो वो लुक वाइज uh, उसी तरीके का है तो मुझे लगता है कि तुम्हें सेटिंग्स वेटिंग्स अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तुम्हें सेटिंग्स फाइंड करनी पड़ती हैं ढूंढनी पड़ती हैं सेटिंग्स को तो मुझे लगता है तुम्हें दिक्कत आएगी सेटिंग्स ढूंढने में क्योंकि कि काफी हद तक सिमिलर दिख रहा है नाउ अगर आप गेमिंग करना चाहते हो या कुछ और चीज़ें इसके अंदर करना चाहते हो कर सकते हो बिकॉज ये कोई एकदम ग्राउंड अप से बनाया हुआ ओएस नहीं है कि एकदम इसके अंदर चेंजेस हो जैसे कि मैंने बोला इंस्पायर्ड है विंडोज तुम्हारा या फिर बेस्ड है विंडोज टेन पे जो कि टच सिस्टम्स के लिए ज्यादा अच्छे से एम माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया था स्टिल तुम इसमें चीज़ें फाइन कर सकते हो लाइक जिस हिसाब से विंडोज इलेवन है तुम देख के बता सकते हो कि ये जो है वो टच सिस्टम्स को जो है वो ध्यान में रख के बनाया गया बिकॉज आने वाले टाइम में तुम देखोगे कि पतले पतले लैपटॉप्स या टच पैड्स या फिर टैबलेट्स ऐसे आने वाले जिनके अंदर विंडोज़ होगी विंडोज़ बेस्ड और चीज़ें आए और माइक्रोसॉफ्ट ऐसा चाहेगा कि उनका इकोसिस्टम फैले तो इन्होंने काइंड kind ऑफ of एक नई विंडो निकाली है जो कि उस चीज़ में जो है वो वहाँ पर जो है वो मे भी काम आए ज़्यादा फंक्शनल हो ज़्यादा फीचर जो कि तुम एक टच में भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओ विंडोज़ में तो उस, उस मेरे हिसाब से तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है अब जैसे कि मैंने बोला कि ये ग्राउंड अप ओएस नहीं है पूरा एकदम नया चेंज करके इन्होंने एकदम एकदम जीरो से नहीं बनाए सो एस को तो आप इसके अंदर जो है वो इसके अंदर स्टिल तुम्हें बिट्स एंड पीसेज मिल जाएंगे विंडोज टेन एक्स के तो आ, तुम जो है वो इसके अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हो एज फार एज आई नो तुम इसके अंदर गेम्स खेल सकते हो अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो तो जो विंडोज़ टेन कम्पैटेबल आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं ड्राइवर्स वगैरह हैं वो इन थ्योरी चलने चाहिए इसके अंदर ठीक है तो आप जो है वो एक बार ट्राई कर सकते हो लेकिन अगेन ये बिल्ड जो है वो अर्ली बिल्ड है अगेन लीकड बिल्ड है ऑफिशियल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की साइड से तो थोड़े बहुत तुम्हें बग्स दिख सकते हैं तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़े बहुत फंक्शनैटीज़ में क्या पता इश्यूज़ दिखें एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस ना हो अगेन 90 परसेंट एक्सपीरियंस स्मूद होगा बट क्या पता थोड़े में थोड़े हिकअअप्स दिखें इधर उधर पे ठीक है कोई सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा कुछ दिक्कत करे चलने में थोड़ा बहुत मतलब समझ रहे हो ना इशूज हो सकते हैं तो 24 तारीख को ऑफिशियल हो जाएगा 24 तारीख को इसी 24 को जो है वो ऑफिशियल हो जाएगा आ जाएगा फाइनली तुम्हें ऑफिशियली तुम डाउनलोड कर पाओगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से विंडोज़ हमेशा से फ्री रही है ठीक है तुम्हें बस विंडोज डाउनलोड हमेशा से माइक्रोसॉफ्ट की साइट में फ्री रहा है बस तुम्हें वो जो वाटर मार्क हटाना होता है उसके पैसे देने पड़ते हैं तो विंडोज फ्री रहेगी होपफुली और तुम डाउनलोड कर पाओगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से तो उम्मीद है तो तुमको वीडियो पसंद आएगी बाकी चैनल को सपोर्ट करना डिस्क्रिप्शन में दिएगा मैं तो उनके लिए शॉपिंग करके कर सकते हो बाकी धन्यवाद बाय टेक केयर गाइज